राम राम जी। आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल बदलती सोच हरियाणवी में आप सभी का स्वागत है। तो आज जा रही थी मैं मार्केट में, क्योंकि बेटी बुलाई थी, दो दिन ताई बुलाई तो नहीं थी, अगले घर आऊंगी दो दिन। मैं कहा बेटा तू आज ये सुपर ने ड्यूटी दे कूरे की उरे ने, और मैं दो दिन तेरे मामा को आऊंगी। पर के करा काल का ऐसा ठाडा बरसन लाग रहा हाड़, तो शुक्र ने ला लियो बरसन लाग गया था, रात शनिवार भी हो गया। ये बाज के बीच में कितने मुश्किल तो थोड़ा सा बंद होया था पौन घंटे ताई। मैं कहा बेटी चाल कदे फिर बरसन लाग जा। तो गई माँ बेटी मार्केट में है, और आए वे मार्केट में के ले आई हूँ, वे भी दिखाऊंगी। पर उससे पहले आगे एक बात और बता दू थमने, मैं आकर जब अपना फोन चेक करा ना देखा, तब एक बेटे का कमेंट आ रहा है, तब वे थोड़ी सी बार उस बेटे के ऊपर बात कहूंगी जी जी मैं। और तब बेटा कोशिश करूंगी वो मैं बेबे सबदे कम यूज करूं, हैं पर बेटा एकदम तो आदत ना छूटे। पर पहली बात तो बेटा तेरा तय दिल ते धन्यवाद, अब अपनी बुआ के चैनल ते तू जुड़िया है और अपना सपोर्ट नहीं बनाए रखिए बेटा, और अपनी बुआ ने बताता भी रही है बीच बीच में इसे इसे बेटे ना कम में कॉमेंट करे है न्यू, अब बुआ या बात न्यू मत कहो, न्यू मत कहो ठीक से बेटा। और तो बेटी दिखा दू तुम नहीं के लेकर ले आई सू, एक सूट तो यो ले आई हूँ, और एक यो न्यू हके न्यू का आकर के मेरा जी फोन लकड़े आया करे काम से कर, फिर मार्केट का ना ना बाजा जा कर। अरे एक यो सूट में अपना लेकर आई हूँ दिखा दू छापे में सही हो, और वे कोई मैच चाव बनाना तो अपना गाजरी रंग की सलवार भी और करीम कलर की भी, पर मैं तो अपना सूट का ही सूट से माऊंगी 5 मीटर है यो। अरे एक सूट यो इस बेटी की कुर्ती ले, पूरा ही सूट का ही सूट से प्लाजो बनवाओगी आप। पर कीते ये तो वही बात से जी मन में था कि मैं उड़ जाते बदल की न्यू बलिक मम्मी को नया कुर्ती आई दुकान ने देख कर न, और तूने बोली मन तो है कुर्ती देवा दे मन से मती सूट साते अपने लिए आई उल्टे और के करूं। अरे एक सूट यो अपना लेकर आई हूँ रेलवाई कलर का, इसमें ये जो बॉर्डर सा दिखे ना दूरता दूरता ही है गड़े ते लेकर न दिखा एक बार, यो पूरी जोड़ी पे है यो मन बढ़िया लग गया यू है कॉटन का कपड़ा से, गर्मी में ना पहरे तो जी सा आ जा से कोने इंच में दम क्या में बालक कोने नाम दरन लाग गए तो ये पेपर के मैं अपना सुधार कर लिया। और ये नहीं है समय एक एरन भी चीज के नाइट की न तैयार एक ये बराए इंदर या था जो कर सुनते तो मैं कचा ले आई हुई में से मैं पास से तभी बेटा दिया होगा ये भी इतनी दूर तो है रोज रोज बालक तो ना आया जाता ये नौकरी पैसे वाले की तो दिक्कत हो जाए ना फिर ये भी अपनी कुर्ती लेकर आई से एक तैयार एक या एक ही बल्कि इनकी फिटिंग है ना उड़ा की उड़ा करवा देते हुए उन तो आती आते, पर आज बारिश होने लग रही थी ना फिर कोने आन पाई वो टेलर ना था उनका, तो मैं कहा चलो कोई बात ना भाई मैं कहा मैं कर दूंगी घर जाकर ने। अरे किया पर इसका है नहीं इस कुर्ती का वे बहुत बढ़िया कपड़ा है ना, खराब होता ना कोई रुआ रहा कुछ नहीं आता, क्यों इसने एक कुर्ती है ना पहले भी वह इसकी मेरे ख्याल में मैरून कलर था। अरे तो वह इसने पहले पहन दी फिर बोली मैरून कलर तो ना ली मम्मी मैंने है ना यो वाला कलर दवा दी, फिर मैं चल ले ले जी जी ले ले बता तो। तो मैं भैया आई की खरीदारी करके ले आई सुन बुलाई तो नहीं थी, मैं कल ही हो आऊंगी दो दिन घर कई दिन की कह रखी थी आऊंगी भाई आऊंगी एक दिन, तो वे भी नहीं बोले जी आज ये बल्कि बालक तो बाट देखे थे बुआ कदा होगी तो ये तो होगी टाल और ही थोड़ा मौसम खुल लेगा जे भी यही पापा बेटा का दे की कहेंगे जब दोबारा प्रोग्राम बनेगा ये भी तना तो सह को नैक जो कर कह दी ना भाई मैं तो कह लाऊंगी तो देखनी एकदम तो जिजे अपनी सारी थोड़ी चल लिया कर है का कर कौन बेकी भी सोच कर न देख कर सारी चालनी पड़े ड्यूटी वाले का भी हिसाब देखना पड़े जिजे होता है। One hour later. देखो पहली बात तो कितना बढ़िया मौसम हो गया है बारिश बंद हो गई से, तो सोची थोड़ी सी बार ऊपर बैठ कर न छत पे अपने देख लिया ऊपर के भी नजारे, और गाल का देखा पहले तो के पहले गाल में ना पानी खड़ा था
ਪੁਰਾਣ ਤੋਂ ਲਾਗੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਖਵਾਰ ਤੰਕੀ ਹੈ ਬੈਠਾਂਗੇ ਥੋੜੀ ਵਾਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਰੂਰ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਗਾਲ ਕਾ ਕੀ ਹਾਲ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਹਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਸੁਣਾ ਘਟਿਆ ਤੇ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਖਾਪਰੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਵੀ ਗਾਲ ਕਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜੀ ਸੀ ਜੀ A few moments later. एक दो तीन फुट थी जो मार्केट तक देख आई थी और एक दो इसकी अपनी पैरडी थी जो पैरिया करती वे भी टाइट हो रही से तूने भी करूंगी ठीक थी इतनी वह सिलाई आए का जो तो सही अब भी ले अपने घर आई कर लिया हाँ अरे ना वही तो जो टेलर का तो गेर काटिए पड़ेंगे तो ये काल के तीन जाना भी सा ये वो मका सेट सेट इनकी पर अपटन कर दी और काम तो चाहिए रह भी जाओ और जब कुर्ती रहेगी ना तो फिर ये बेटा का आना पड़ेगा पाँच से देन ताई अरे वे ये वो सेट सेट अपना पटन कर दिया हाँ क्यों ते खत्म मशीन आए के फादे तो घने ही हो जाए अब मशीन जी ना आया हुआ तो वो की तो मजबूरी होगी उन ना काप टेलर का जाना पड़ा मन्ने भी ना आवे तो वे मन्ने भी जाना पड़े टेलर का ना क्यों नहीं हुए एक बार मन्ने की यू करूंगी सर पांच से चार तीन एक चार तो ये नहीं से बाकी और तो इसकी गैरी का अपनी उड़े से ठाकन है या तो उस दिन में लेकर आई बताऊं थी सरोजनी तय ते पारी है तो मैं क्या करूंगी दर्द का नहीं बिना दे दूंगी इसकी की थोड़ी फटक कर दी थोड़ी होगी गणित ना हो इसकी तो कर पर थोड़ी होगी इस साइड साइड एक भी कर मारते हैं हटा तो फिर अपना उस सांस का काम का टाइम हो जाएगा ये सोचूं आज पूर्ण करता ये कर कर ठीक है फिर अपनी कड़पादरी करूंगी मेरा उसका नंबर नहीं आ रहा है सिमन का देखो भी उसके बेचारे का कह दिन मावरा होगा ना क्यों आज तक खर टाइम इतना सह कुन्या ना कि ये बेटी की कुर्ती है कुर्ती हो मैं की थी तड़का दिन लाए क्या तो तड़का सोचूंगी One hour later आज बनाऊं मैं दाल मखनी तो बता दियो अड़मन के क्या ले रखा है दोनों माँ बेटे हैं सब मैं बड़ी के गोद रहे ना बे आज तुम आज मैं भाई दाल मखनी बनाऊं मैं बताऊंगी मैं बना लूंगी के क्या चीज रखा है मैंने ये चार तो टमाटर एक प्याज दो हरी मिर्च ये थोड़ा हम मक्खन ले रखा है ये सूखा धनिया दाल मखनी में प्याज कौन गिरा ये सारे के सारे खड़े मसाले उसमें गिर दे कढ़ाई में गिर दे एक मर पहले बटर गिरियो पहले गर्म हो रहा है थोड़ा ये बहुत अच्छा सरसों का तेल ले रखा है क्या नंबर अच्छा बन मन ये आड़ा दी चम्मच अपनी जो साग वाली चम्मच है वो आधी चढ़ा रखी है क्योंकि थोड़ा फिर मक्खन गेरांगे ये न्यून अपने है ना दर रखी है हमने दाल काली और राजमा पहले तो तीन चार सीटी कुकर में मरवा दी थी और ती भी अन्यारी थोड़ी सी है ना भगोने में दोबारा उबाली सी इसमें गाढ़ा पड़ने आवन ताई और इसके ऊपर जो सफेद सफेद आ जाए ना तो उसने अपना चम्मच तो उतार लियो दूसरी कटोरी में जब कोई स्त्रिया बनाओ तो और अभी अपने हिसाब तो बनाओ तो अपने हिसाब तो बना लियो ये पहले है ना अपने खड़े मसाले दे रहे हैं मेरा तेल गया है गरम हूँ तो ये दो तहरी इलायची है और ये काली मोटी और तीन चार लौंग ले रखी है और ये तेज पत्ता दो और सूखा धनिया सारे के सारे मसाले एक साथ घेर दो ना जल जाएगा ना ठंडा करके ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे अच्छा
इसमें लाल मिर्च डाल दो बस पूरी। ये अपनी कलर वाली जो लाल मिर्च हो है ना, ये तीखी ना होती बनी, तो ये अपनी एक चम्मच घेरी है मैंने इसमें। ये जो मसाले ये घेरे थे ना, मसाले टमाटर प्याज और थोड़ी अदरक का टुकड़ा भी घेरे हमने पीछे घेरा है, डालना रही बतानी। और तो ये सारे थोड़े से पका लिए हैं, ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे ना जब ना अपने मिक्सी में पीसांगे। हालांकि मैं तो इस बड़ नहीं बनाऊंगी, मैं सही बता, मैं बनाती टमाटर ना लगते पीसती न्यू के न्यू काचे और प्याज पीसती। पर इस जुकर छोरी बेटी ने जुकर बताए हाँ जले रहा इसकी भी कहे तो देख लू मान कने कुकर या बताओ जुकर बनाऊंगी आज। इब हमने दोबारा तो 4 चम्मच तेल लिया है और इतना बटर लिया है। बटर और तेल में हमने ये मसाला जो बनाया था ना वो डाल दिया है। आप देखो कलर देखो बिल्कुल रेड हो रखा है। सारा का सारा मसाला इसमें डाल दो। मैंने बाद में थोड़ा पानी हिला के ले लिया। ये भी मसाले मैंने जितना ही तेल ऊपर नहीं आ जाता इतना है ना, बार बार चम्मच मत मारिए तो और मंदी आंच करके 5-7 मिनट छोड़ दियो पकड़ दी। ये अपना ये तेल है ना देखो कति ऊपर आ रहा है, दिखता होगा अपने लाल लाल ऊपर। ये भी इसमें घेर लिया अपनी दूध पर कितारी और मलाई है, बासी कुसी मत ना घेरी हो ना तो मैक हो जाएगी। मैंने अपने दूध की ताजी तार रखी रहा, मिक्सी में पीस ली थी थोड़ी सी। और मान ले मलाई की सदर ना भी हो तो अपना करीम भी आई हो जितना दूध दा दही ये चीज ले आ करो ना उन दो करीम भी आराम से मिल जाए है। इसने 1-2 सेकंड है ना अपना न्यू बूंद लेंगे, फ्लेम थोड़ी सी तेज बूंद या हल्की सी मलाई नहीं डाली। बस 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 इन्हें न्यू 1-2 मिनट बूंद लिया है, जो है मलाई गेरी है ना यह भी बूंद जा पाकी। ये भी अपनी जो मलाई गेरी थी ना वह भी पक्कर तैयार होगी है। ये भी इसमें है ना अपना राजमा डालेंगे, काली दाल और राजमा उबाल रखा है यो। ये भी इसमें एक बार अच्छी तरीके है ना मिला दिया और गाढ़ी पतली देख लियो अपने हिसाब से। बस छोड़ दो मिनट इसमें अपने आप, ज्यादा चम्मच लगाएंगे इसमें अपने आप पक जाएगा। हमने हल्दी वल्दी कुछ नहीं डाल रखी इसमें। कलर देखो आप, पास्ता कलर दिखा दो। ये सब देखी मिर्च का कमाल है। 5 मिनट इसने यूए पकड़ देंगे, फिर थोड़ा सा बटर डाल के बंद कर देंगे। इसमें थोड़ा दाल मखनी का मसाला डाल दो, ये वाला दाल मखनी का मसाला लिया है। और दाल वाल बनाते टाइम मसाले सबसे लास्ट में डालना चाहिए ताकि मसाला जले ना और पूरा स्वाद आए। ये 4 चम्मच घेरेंगे बेबे मसाले देखिए अपने जो दाल मखनी का मसाला है ना वो वाली। तुम बता दो कि इसमें दाल के साथ क्या है मसाला। देख देख बेचो रिया तो मैंने बता नहीं आओ सर। एक मिनट आप चम्मच भरे हैं और फिर ना हमने भी तेरे छोड़ दिया है बातें ज्यादा दिया है।
नमक और थोड़ा सा पहले घेर रखे हैं। वो तो राजमा उबाला ना या दाल राजमा उबाली जब घेर दिया था, पर ये मसाले वसाले भी भूनते हैं तो थोड़ा सा और घेरते हैं। जिसने 5-7 मिनट ना मंदी आंच पर पकने देंगे, फिर बंद कर देंगे और ऊपर से थोड़ा सा बटर डाल देंगे। ये जो अपना बटर है ना, ये डालेंगे इसके में। A few moments later, जो अपनी दाल मखनी बनकर है ना तैयार होगी है। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको बाय।